सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कभी कभी ना हम यही जीवन में गलतियां करते हैं कि हम प्रभु से प्रेम तो करते हैं लेकिन हमारे प्रेम में कहीं ना कहीं लोभ और स्वार्थ छुपा होता है। संसार की कोई वस्तु में ठाकुर जी को नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें आपका प्रेम चाहिए। और प्रेम भी कैसा, जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई आदान प्रदान ना हो, जिसमें कोई शर्तें ना हो, जिसमें कोई नियम ना हो, कोई बंधन ना हो। लेकिन आज जब हम मंदिरों में जाते हैं, करते क्या है, ठाकुर जी से कुछ ना कुछ हमारी डिजायर्स रहती है, कभी कुछ मांग लिया, कभी कुछ मांग लिया। अच्छा सच बताना, अगर हमारे दरवाजे पर कभी कोई भिक्षुक एक दिन आ जाए, आप उसको एक दिन दे दोगे, दूसरे दिन आ गया फिर दे दोगे, तीसरे दिन आ गया फिर दे दोगे, अच्छा अगर वो लगातार आता रहे तो फिर क्या कहोगे? भगा दोगे ना? क्या भाई रोज रोज आ जाता है, भाग यहां से। हम भी लाइफ में यही करते हैं, अपने जीवन में हम भी यही करते हैं। जब ठाकुर के पास पहुंचते हैं तो कभी इस भावना से नहीं पहुंचते कि हमें ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, हमें प्रभु से मिलना है। हम अपनी डिजायर्स लेके पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक साउंड प्रूफ कमरा होता है ना, जिसमें आवाज नहीं जाती, एक एयर प्रूफ कमरा होता है जिसमें हवा नहीं जाती, एक फायर प्रूफ होता है जिसमें आग नहीं जाती, एक बुलेट प्रूफ होता है जिसमें गोली नहीं जाती, तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं डिजायर प्रूफ, मैं तुम्हारी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं बैठा हूं, तो फिर मैं इसलिए बैठा हूं कि जब तू मेरे सन्मुख आए तो तेरे हृदय में, तेरे मन में, तेरे विचारों में कोई कामना ही ना रहे। मैं तो इसलिए बैठा हूं, तुझे कामनाओं से मुक्त करने के लिए बैठा हूं, कामनाओं से रहित करने के लिए बैठा हूं। लेकिन सच सच बताना, सिर्फ ठाकुर जी से अगर मिलना हो तो कौन जाता है कि आज हमें कुछ नहीं मांगना, आज तो हमें सिर्फ ठाकुर जी से मिलना है। हाँ जी, देखो 1 2 3 4, अब हम गिनना शुरू करेंगे तो सब हाथ उठाएंगे, देखो हैं? लेकिन ये सच्चाई है, जिसे चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहिब सुनता है। चींटी के पग नूपुर बाजे, जब चींटी के पग में नूपुर, चींटी का पैर कितना बड़ा होता है, अगर उसके पैर में भी घुंघरू बांधे जाएं तो वो भी ठाकुर सुन लेता है। क्या उसे नहीं पता कि आपको क्या चाहिए? उसे नहीं पता कि आपकी तकलीफ क्या है, आपकी व्याधा क्या है? सब पता है ना। तो जिसे सब कुछ पता है उसे हम बताने जाते हैं, उससे हम कहने के लिए जाते हैं, उससे हम मांगने के लिए जाते हैं। अब ठाकुर जी भी सोचते हैं, चलो ये आ गया, कोई बात नहीं। अब क्या पता आपके प्रारब्ध में ठाकुर ने कोई बड़ी वस्तु लिखी हो, एज ए एग्जाम्पल कोई कार मांगने पहुंच गया, ठाकुर जी ने उसकी लेख में लिख रखा था इसको तो हेलीकॉप्टर देना है, वो भी सोचते हैं चलो सस्ते में पीछा छूटा, कार ही मांग रहा है, दे जाके छुट्टी काटो। लेकिन जब ठाकुर जी के सन्मुख जाएं तो इस भावनाओं के साथ जाएं कि चलो बहुत दिन हो गए, जिस प्रकार मुझे अपने ठाकुर की याद आती है वो भी मुझे याद करता होगा, चलो मिल गया।